Hello guys, how are you? And now in this video we will going to see top 20 plus new racing games for our Skyline and Yuzu emulator, which is available on our Android device. So let's go guys, and I will also show you the device requirements, so प्लीज मेक श्योर टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, लेट्स गो गाइज। तो आप अपने औकात में आते हैं हिंदी में, और ये सब गेम के लिए गाइज तुम लोगों को हाई एंड डिवाइस का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और जितने भी गेम्स मैं तुम लोगों को बताऊंगा ये तुम्हारे अधिकतर गेम्स स्काईलाइन एम्युलेटर में वर्क करने वाले हैं, एंड ऑल्सो फॉर यूज़ू, एंड कोई कोई गेम दोनों में वर्क करेगा। तो मेक श्योर गाइज कि तुम लोग ने जो सपोर्टेड ड्राइवर्स है वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखा है, और उसके बाद तुम्हारा मोबाइल गुड टू गो है। चलो गाइज, सबसे पहला जो हमारा गेम आता है रेसिंग में, तो ये वाला गेम रिपटाइड जीपी, और इस वाले गेम के लिए कुछ खास ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। एटलीस्ट तो तुम लोग के पास 3 से 4 साल पुराना डिवाइस होना चाहिए, एटलीस्ट 720G होना चाहिए, या तो हीलियो P95 प्रोसेसर, मतलब कि स्काईलाइन एम्युलेटर अगर तुम लोग अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लोगे तो ये वाला गेम जो तुम लोग का है चल जाएगा। बढ़िया रेसिंग गेम है, पूरे पानी में हम लोग जेट भगा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट गेम है बर्नआउट पैराडाइज सिटी, ये गेम कंसोल ग्राफिक्स के टाइप में पीसी के लिए आया था, एक्सबॉक्स के लिए, प्लेस्टेशन 3 के लिए आया था, और उसके बाद यहाँ पे निंटेंडो स्विच के लिए आया है, जो कि रिमास्टर्ड वर्जन है, 60 FPS का गेम है, और गेम टेस्टेड है ऑन स्काईलाइन एम्युलेटर विद द लेटेस्ट 24 टर्निप ड्राइवर। अगर तुम लोग चाहो तो हाँ, 24 टर्निप ड्राइवर के लिए लेटेस्ट एंड्रॉयड का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, और अगर तुम लोग ओल्ड ड्राइवर भी यूज़ करते हो फिर भी वो गेम प्लेबल होगा। आते हैं हम लोग इस गेम के ऊपर, इस गेम का नाम है क्रैश टीम रेसिंग नाइट्रो फ्यूल्ड। तो इसके लिए तुम लोग को एटलीस्ट तो 695 चाहिए, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है 780G, मतलब 775G, स्नैपड्रैगन 855 इस सब में चल जाएगा ये, लेकिन तुम लोग लो एंड डिवाइस में भी चला सकते हो ये गेम। इन सब डिवाइस में ये 130/30 FPS चल रहा है, तो तुम लोग अगर थोड़ा कम डिवाइस यूज़ भी करोगे ना भाई, उसमें भी चल जाएगा। और उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम है शॉर्ट रेसिंग, तो मतलब इस वाले गेम में सिंपली तुम लोग ड्रिफ्ट कर सकते हो, रेस होता है, और अगर चाहो तो नाइट्रो बूस्ट भी लगा सकते हो, स्टेज फेटेलिटी भी मिल जाता है, मतलब कि गेम एज यू कैन सी ग्राफिक्स लिमिटेड है, तो इसके लिए ज़्यादा हाई एंड डिवाइस का रिक्वायरमेंट नहीं है। स्नैपड्रैगन एटलीस्ट तो तुम लोग के पास 720G होना चाहिए, और अगर हीलियो का प्रोसेसर है तो G95 भी बनता है। और उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम है गाइज, ये वाला गेम के लिए तुम लोग के पास एटलीस्ट 778G मान के चल लो। टायर्स मैड रनर है इस वाले गेम का नाम, तो यहाँ पे इस वाले गेम का रिक्वायरमेंट बता देता हूँ मैं तुम लोग को, स्नैपड्रैगन 778G होना चाहिए, या तो डायमेंसिटी 1080 प्रोसेसर होना चाहिए। तो ये वाला जो गेम है ये वर्क करने वाला है हमारे यूजू एम्युलेटर में, स्काईलाइन विल नॉट वर्क। स्ट्राटो जो लेटेस्ट एम्युलेटर आने वाला है इसी महीने, तो उसमें हम लोग देख लेंगे कि भाई ये सब गेम्स चलते तो चलते कैसे। एंड जो हम लोग का नेक्स्ट गेम है, इस गेम का नाम है नेस्कार राइवल, और इस वाले गेम में हम लोग को 30-30, 40-40, 50-50 कार्स एक ही ट्रैक में मिल जाते हैं, तो उस अनुसार से जो हमारा डिवाइस है तुम लोग को अच्छा होना चाहिए। स्नैपड्रैगन 778G इज़ द लास्ट रिक्वायरमेंट, ओके, और डायमेंसिटी 1080 ऑल्सो। तो इतना मैंने रिक्वायरमेंट बता दिया टू रन दिस गेम परफेक्टली ऑन यूजू एम्युलेटर। उसके बाद हम लोग का आ जाता है गेम का नाम है नीड फॉर स्पीड हॉट परसूट रीमास्टर्ड। तो तुम लोग को पता ही है ये गेम पीसी का वर्जन था, एक्सबॉक्स में था, प्ले स्टेशन में था ये गेम, जो कि रिमास्टर्ड वर्जन होके आया था स्विच में, अब हम लोग ये अपने एंड्रॉयड डिवाइस में खेल सकते हैं। गेम का रिक्वायरमेंट तुम लोग को हाई मिल जाएगा नेस्कार राइवल से भी, स्नैपड्रैगन एटलीस्ट तो 778G चाहिए टू हिट 20 FPS से ज़्यादा। और ये जो FPS बेंचमार्क हुआ है ये स्नैपड्रैगन 778G में, और ये हो सकता है कि अगर तुम 695 जो कि उससे ज़्यादा लोअर डिवाइस है उसमें वर्क करोगे तो उससे भी ज़्यादा FPS आएगा, ओके। तो ये डिपेंड करता है उस वाले मोबाइल में उसमें यूज़ होने वाले ड्राइवर में। तो नेक्स्ट गेम हम लोग का हॉरिजॉन चेज टर्बो, ये वाले गेम को भी अगर तुम लोग को प्ले करना है तो स्काईलाइन एम्युलेटर यूज़ कर सकते हो, ये स्काईलाइन एम्युलेटर में भी टेस्टेड है, यूजू एम्युलेटर में भी टेस्टेड है, एंड EGGNS एम्युलेटर में भी टेस्टेड है। अगर तुम लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो ऑन लो एंड डिवाइसेज ऑल्सो। और उसके बाद जो नेक्स्ट गेम है, इस गेम का नाम है टीम सोनिक रेसिंग। और हाँ गाइज, अगर अभी तक तुम वीडियो देख रहे हो विदाउट लाइक किए तो गाइज प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। वैसे तो ये जो गेम है ऑलरेडी प्ले स्टोर में तुम लोग को नेटिवली एंड्रॉइड के लिए पोर्ट अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो उस वाले गेम का थोड़ा ग्राफिक अच्छा होना चाहिए, रियलिस्टिक थोड़ा ज्यादा दिखना चाहिए, तो तुम लोग यहाँ पे जाके NSP वर्जन का ट्राई कर सकते हो। और इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम है, ये वाला गेम सपोर्ट करता है अपन लोग का लो एंड डिवाइस, जो कि हो गया एटलीस्ट तो 720 भी इसमें अगर चलाओगे तो चल जाएगा। गेम का नाम है निक ओरियन कार्ट रेसर 2, स्काईलाइन एम्युलेटर में वर्क कर लेगा, EGGNS एम्युलेटर में वर्क करेगा, अगर तुम लोग चाहते हो तो रन कर सकते हो उसको यूजू एम्युलेटर में भी। और जो गेम है 60 FPS फुली लॉग्ड मिल जाता है, जिसमें कि तुम लोग का अगर लो एंड भी डिवाइस है तो एटलीस्ट 30 FPS आ जाता है, तो वो भी गेम रन करने लायक है। उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम है,
ये ड्राइविंग सिम्युलेटर टाइप में, जो तुम लोग देखते हो प्ले स्टोर में या तो बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स खेलते हैं उसी टाइप में ये तुम लोग को गेम मिल जाएगा। गेम का ग्राफिक्स बहुत बढ़िया है, गेम के अंदर जो फिजिक्स है ना तुम लोग देखोगे, और जो भारीपन है कैमरा एंगल में, बहुत ज़्यादा मज़ेदार गेम है, गेम खेल के मज़ा आ जाएगा। गेम का नाम है मैड रनर अमेरिका वाइल्ड्स। और इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम है गाइज, मारियो कार्ट 8 डीलक्स। ये गेम हम लोग को कम्प्लीटली मज़ेदार गेम है, जिसके लिए स्नैपड्रैगन 778G तो एटलीस्ट होना चाहिए। और भाई ये मेरा खुद का फेवरेट गेम है, जिसमें कि तुम लोग पावर अप्स यूज़ कर सकते हो, एज यू कैन सी, अपने जो एनिमी है उसको दौड़ा देने के लिए। और गेम का जो अलग अलग स्टेज है ना भाई, बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स, तुम लोग को एक होता है फैंटेस्टिक ब्यूटीफुल टाइप, वैसा ब्यूटीफुल टाइप का वो गेम है। और उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो गेम है MotoGP 19, तो इस वाले गेम का रिक्वायरमेंट तुम लोगों को स्नैपड्रैगन एटलीस्ट तो 695G होना चाहिए टू हिट 15 FPS और मोर। और अगर तुम लोग को ज़्यादा फुल FPS चाहिए इस वाले गेम का, तो तुम लोग यूज़ करना है स्नैपड्रैगन 778 प्रोसेसर। पहला बात, 695 में भी ज़्यादा FPS आएगा आएगा तो तुम लोग का 778 में भी कम FPS आएगा। कंपैटिबिलिटी मैटर करता है, ड्राइवर मैटर करता है। उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम है राइस रेस द फ्यूचर, ये वाला गेम अवेलेबल मिल गया था पहले स्काईलाइन एम्युलेटर में, जिसमें कि हम 615.50 ड्राइवर से ये गेम प्ले कर सकते थे। अब तुम लोग यूजु एमुलेटर में विदाउट ड्राइवर भी ये गेम प्ले कर सकते हो, उस अनुसार से डायमेंसिटी में वर्किंग है। और जो गेम है हम लोग का, ग्राफिक बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल मिल जाता है, और 400 किलोमीटर पर आवर तक तुम लोग लास्ट स्पीड जो है उसको ले जा सकते हो। नेक्स्ट गेम है, इस वाले गेम का नाम है मिनी मोटर रेसिंग एक्स। तो तुम लोग का ये नेटिवली प्ले स्टोर में अवेलेबल, चाहो तो वहाँ से परचेज़ करके ये वाला गेम खेल सकते हो, लेकिन वहाँ पे तुम लोग को फिर भी उसके बाद भी HD रिमास्टर्ड ग्राफिक्स नहीं मिलेगा, ना ही तुम लोग को बढ़िया कैमरा एंगल मिलेगा जैसा कि निंटेंडो स्विच में है। तो ये वाला अगर तुम लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हैं ऑन स्काईलाइन एम्युलेटर एंड यूजो एम्युलेटर में वर्क करेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट गेम है, इस गेम का नाम है कार्स 3। ये गेम हम लोग को प्ले स्टेशन में अवेलेबल था, PC में स्विच हुआ था, उसके बाद एक्सबॉक्स में आया, बाद में निंटेंडो स्विच में आया, जिससे कि हम लोग अब अपने यूजू एमुलेटर में अभी खेल पा सकते हैं। और यहाँ पे तुम लोग को 24 वर्जन चाहिए टर्निप ड्राइवर टू प्ले दिस गेम, और एटलीस्ट तो तुम लोग के पास 778G होना चाहिए, डायमेंसिटी 1080 प्रोसेसर, और रैम चाहिए एटलीस्ट 6 GB रैम टू प्ले दिस गेम। ओके, उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम है गाइस, यहाँ पे इस नेक्स्ट गेम का नाम है, तुम लोग ने खेला होगा, और ये ना हम लोग का फेसबुक में भी आता है और यूट्यूब में भी काफ़ी सारे बंदे खेलते हैं इसको। गेम का नाम है फार्मिंग सिम्युलेटर, अवेलेबल हुआ है ऑन यूजू एमुलेटर में। इसका रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट तो 778G होना चाहिए तुम लोग के पास, डायमेंसिटी 1080 प्रोसेसर भी, इसमें भी तुम लोग को 6 GB रैम तो चाहिए। माइनर ग्लिच है गेम में तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गेम स्टिल प्लेबल है। उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम है गजलर्स एक्सट्रीम, इस वाले गेम में हम लोग को रेसिंग देखने मिल जाएगा, तुम लोग अपोनेंट से फाइट कर सकते हो, पावर अप्स यहाँ पे मिलते हैं, तुम लोग बूस्ट लगा सकते हो कार में, और डिफरेंट डिफरेंट गेम के अंदर जो स्टेजेस है वो भी तुम लोग को मिल जाएगा। पूरा तुम लोग को ऐसा लगेगा कि तुम लोग कंसोल में गेमिंग कर रहे हो, ज़्यादा गेम का रिक्वायरमेंट भी हाई नहीं है। स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर में तुम लोगों का 30 FPS का ये गेम है, 15 FPS अचीव हो जाएगा अगर तुम लोग को फुल FPS चाहिए 778G। उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट गेम है गाइज, यहाँ पे जो अवेलेबल हुआ है ऑन यूजू एमुलेटर में, और जो रेसिंग भी है बढ़िया रेसिंग स्टाइल टाइप में गेम है, असफाल्ट 9 के जैसा भाई ग्राफिक्स है यहाँ पे, गियर क्लब 2। इस वाले गेम का रिक्वायरमेंट स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर है, डायमेंसिटी 820 प्रोसेसर चाहिए, और यहाँ पे हम लोग इस वाले गेम को स्काईलाइन में भी प्ले कर सकते हैं, एंड यहाँ पे यूजू एमुलेटर में भी ये वर्क करेगा, तो मतलब कि तुम लो एंड डिवाइस में भी ये गेम खेल सकते हो। उसके बाद वो हम लोग का नेक्स्ट गेम है, इस गेम का नाम है ग्राइड ऑटो स्पोर्ट। ये वाला गेम बहुत कम डिवाइसेज में अवेलेबल है, लेकिन जो इसका रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट 778G होना चाहिए तुम लोग के पास। अभी फ़िलहाल के लिए अर्ली एक्सेस में अवेलेबल चल रहा है ये वाला गेम, लेकिन अगर तुम लोग देखना चाहते हो ये वाले गेम को, रन करना चाहते हो, तो तुम लोग ये 1 या 2 हफ्ते के बाद रन कर पाओगे। तो आई होप जो वीडियो है गाइस, प्लीज़ लाइक कर।